चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से टिकट दिया गया है, वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे, गोपाल भार्गव रहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136, बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहाँ है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यही प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित में है। मैं आज हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूं, कल दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा, परसों सवेरे लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ हम भिड़ जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी हम पहले ही आप लोगों को दे चुके हैं और प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। राज्य में चुनाव एक चरण में होगा, ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है और अब इंतजार है चुनाव की तारीख का।